हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन पर आधारित ये क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि यहाँ पर ये टपल बनाया गया, ये क्या है, ये है टपल। टपल एक डेटा टाइप है पाइथन में, ठीक है, जो कि इम्यूटेबल होता है, चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं इसमें, और ये भी एक टपल है। यानी दो टपल, एक टी1 नाम से एक टी2 नाम से बनाया गया। ये टी1 है, यहाँ पे टी1 कर देता हूं और ये T2 हो गया, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराते समय T1 प्लस T2 लिखा गया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T1 प्लस T2 व्हेन वी आर राइटिंग प्रिंट। जब हम प्रिंट लिख रहे हैं तो ऐसे में T1 और T2 दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा? तो इसका मीनिंग निकलेगा कि ये 9, 6, 1, 12, 10, 11, 12 इसको एक साथ ये करके दे देगा, यही होगा। देखिए यहां पर F5 करता हूं और इसको एंटर करता हूं, फिर इसे मैं किसी भी नाम से सेव कर लेता हूं, एंटर करता हूं, और देखिए यहां पर जो है इन दोनों ही को ये एक साथ करके दे दे रहा है। देखिए जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब यहां पर नीचे जो है प्रिंट करके और यहां पे दे देता है T1 × T2, तो ये तो पॉसिबल है, T1 × T2 कहां ये करेगा, T1 × T2 तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में यहां पर T1 × T2 नहीं होगा और एरर आएगा। तो यहां पर एक बार F5 करके एंटर करते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां पे देखिए आपको टाइप एरर देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो कि टास्क इसमें परफॉर्म हो ही नहीं सकता, ऐसा आप यहां पर इक्वेशन दे देंगे, ऐसा यहां पर चीजें दे देंगे, तो टाइप एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा यहां पर आप देख सकते हैं, तीसरा जो हमारा यहां पर है वो है T1 − T2, ठीक है, या T2 − T1 कर लेंगे। तो यहां प्रिंट करके और T2 − T1 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या ये प्रिंट करेगा? तो देखिए माइनस करना भी पॉसिबल कहां है, माइनस भी तो नहीं करेगा, तो यहां पर फिर टाइप एरर आएगा, क्योंकि ये जो है माइनस नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, यहां पर देखिए इसको मैं कमेंट कर दिया है, और यहां पर अगर मैं इसे चलाता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है टाइप एरर आ रहा है, ठीक है, माइनस ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो ना तो माइनस सपोर्ट करेगा ना तो मल्टीप्लाई। इसके अलावा एक और सवाल ये बचता है कि क्या ये डिवाइड सपोर्ट करेगा, तो डिवाइड भी नहीं सपोर्ट करेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। टपल में ये सब चीजें सपोर्ट नहीं करेगा ये। अगर आप T1 / T2 कर देते हैं तो ऐसे में फिर एरर ही आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये एरर ही जनरेट कर रहा है, नीचे देखिए यहां पर ये आपका आउटपुट है, ये देखिए ये क्या आ रहा है, टाइप एरर, ठीक है। तो इस तरीके से एरर आएगा, तो याद रखिएगा केवल पहले वाले का आउटपुट आएगा, बाकी कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है।